पंचायत सहायक भर्ती 2017 से हमारे साथी वंचित विद्यार्थी मित्र अपने पंचायत सहायक बनने से रह गए और उन्होंने सरकारी विद्यालयों में 2008 से और 30 अप्रैल 2014 तक इन्होंने अध्ययन कराया था, अल्प मानदेय पे कराया था, लेकिन भाई भतीजावाद हुआ, सरकारों की स्पष्ट नीति थी, इसके कारण हम वंचित रह गए, हमको स्थायी रोजगार नहीं मिला। हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमें भी समता सेवा नियम 2022 में शामिल कर हमें नियमित रोजगार दे। मैं एक तांत्रिक सेवा दल का सदस्य होते हुए और हमारी सरकार में और हमारी बात भी नहीं सुनाई जा रही है। मैं कांग्रेस सेवा दल का सदस्य होते हुए भी हमारी मांग सरकार के अंदर नहीं सुनाई जा रही है। जो जननायक माने जाते हैं श्री गहलोत जी, वो एक जननायक कहलाए, एक नाम मात्र के ही जननायक कहलाए जाते हैं। अपनी सरकार को संवेदनशील बनाते हैं लेकिन संवेदनहीन सरकार साबित हो रही है। हम आज 6,500 विद्यार्थी मित्र जो पंचायत सहायक बनने से रह गए, सरकार समता सेवा रूल 2022 लाई है, उसमें इन सभी साथियों को, वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार देकर इनको स्थाई रोजगार की मुख्य धारा में जोड़ने का सरकार काम करे। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हमारे भाइयों की ओर से, हमारे संघ की ओर से ये संदेश है, हम आमरण अनशन करेंगे। जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं होगी तब तक हमें शहीद स्मारक से लेंगे भी नहीं, सभी साथी यहीं बैठे रहेंगे, ये मेरा संदेश है। हम चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी अति शीघ्र हमारे मांग को स्वीकार करे और हमें रोजगार मुहैया कराए। जय संगठन। टेकचंद सागर, प्रदेश प्रवक्ता, जिला भरतपुर। जी बताओ। मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, अधिक विद्यार्थी मित्र, बेरोजगार विद्यार्थी मित्र, शिक्षक संघ भरतपुर। मेरी सरकार अशोक गहलोत सरकार से यही विशेष अनुरोध है कि समस्त वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार दिया जाए, संविदा सेवा रूल 2022 में शामिल करके, स्क्रीनिंग करके उनको न्यायोचित कार्रवाई की जाए। जो दफ्तर की 30 अप्रैल 2014 के बाद सरकार आई और गई, ये सरकारें आती ही जाएंगी और चली थी जाएंगी, लेकिन वंचित विद्यार्थी मित्रों के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। अतः अब जाते हुए ये जननायक सरकार, जननायक कहने वाले अशोक गहलोत, जो पूरे राजस्थान के नहीं अपे तो पूरे भारत में भी अपना वर्चस्व रखने वाले हैं कांग्रेस के अंदर, इतनी संवेदनशील सरकार को संवेदनहीन कहलाने का गौरव प्राप्त नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पावन धरा पर 30 जो जनवरी है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के ऊपर में कोई शहीद नहीं हो जाए, इसका कलंक नहीं लगना चाहिए गहलोत सरकार को। इसलिए हम आमरण अनशन करना चाहते हैं, हमारी मांगों को यथायोग्य न्याय दिया जाए, वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार में शामिल किया जाए, संविदा सेवा रूल 2022 में हमको शामिल किया जाए, नहीं तो इसके लिए सरकार को, गहलोत सरकार को बहुत खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। इसका आगामी समय में जो लेके बैठी है ना कि ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, अगर कलंक लगता है ना थोड़ी सी चीज से ही लग जाता है। आज हमारे 150 विद्यार्थी मित्र, वंचित विद्यार्थी मित्रों को इस जीवन लीला समाप्त कर ली उन्होंने, और उनके परिवारों की इतनी आर्थिक स्थिति हो रही है कि जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे वसुंधरा सरकार आ जाए, चाहे गहलोत सरकार आ जाए, किसी ने कोई नहीं सुनी। अब चाहे कोई तीसरा मोर्चा सम्मेलनशील आ जाए, लेकिन अपने वादे कर जाते हैं और चले जाते हैं। इन आमरण इन वंचित विद्यार्थी मित्रों को आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। अतः मेरा सरकार से पुनः अनुरोध यही है टीवी चैनलों के माध्यम से कि वो हमारी मांग को पूरा करवाएं और हमारा वर्चस्व को स्थापित करवाएं, हमें न्याय दिलवाएं। हेलो भैया।